गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम इन माई क्लास. एज यू नो दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय. ओके, एंड वी डिस्कस यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ वी कैन अवॉइड टू स्पॉइल अपने जो फूड है उसको स्पॉइल होने से अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचा सकते हैं. अब अपन बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल. ओके, देन टूडे वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है वो क्या रोल होता है. ठीक है, एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे नाइट्रोजन में हेल्प करती है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल. ओके, नाउ एज वी नो दैट अपने को पता है अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर किसी गैसेस की अगर अपन बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा होता है. तो 78% नाइट्रोजन जो है वो अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है N2 की फॉर्म में. ठीक है, इसके टू मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. तो N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है 78% होता है. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है अपने को पता है एनिमल्स को भी नाइट्रोजन की नीड होती है और प्लांट्स को भी नीड होती है नाइट्रोजन की. ओके, और 78% इट मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इजी वे में ले सकते हैं. ओके, बट जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली जो क्या है एनिमल और जो प्लांट है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ठीक है, डायरेक्टली वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनको किसकी नीड होती है, बैक्टीरियाज की नीड होती है, माइक्रोब्स की नीड होती है. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे नाइट्रोजन को यूजेबल बनाते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं, तो उनके लिए अपन बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. ओके, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है अपने एनवायरनमेंट में, अपने चारों ओर क्या नाइट्रोजन है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का वर्क करते हैं. और ये फिक्सिंग करते कैसे है, नाइट्रोजन की जो ये जो नाइट्रोजन अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है उसको ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं, जिसको अपन नाइट्रेट भी कहते हैं. ठीक है, और उसके लिए कौन कौन से, एक तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है कितनी है, 78% है, इस नाइट्रोजन को क्या करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है और उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में इसको फिक्स करता है. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी और अदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो. और फिक्स करने का मीन क्या है, ये उसको कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसको अपन नाइट्रेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, फिर ये क्या करेगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर. ओके, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको फिक्स करते हैं. ठीक है, और एक बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रेट क्या होती है, यूजेबल होती है. तो ये क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं. बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड. ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, अपनी जो ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में इनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. ओके, कंपाउंड बना देते हैं इनको. ठीक है, और ये कंपाउंड फिर क्या होते हैं, जिसको अपन नाइट्रेट भी कहते हैं. ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं फिर ये कहाँ जाते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल. और ये जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के ये फिर कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपकी जो सोइल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो किस में चले जाएंगे, सोइल में. और सोइल से अपने को पता सभी कनेक्टेड है, अपने जो एनिमल और प्लांट्स सभी कनेक्ट हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को गेन करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं ठीक है वो सोइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को. डन, इतना आ गया आपको समझ में. ओके, नाउ अब अपन बात करेंगे लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन. आपने देखा होगा कि जो जब भी बारिश होती है, ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं उनमें क्या होती है, आपने सुना होगा बिजली चमकती है. ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये क्या हो जाती है, ये जो नाइट्रोजन है वो फिक्सिंग हो जाती है, मतलब कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं. उस टाइम भी क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या हो जाती है,
कंपाउंड्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो नाइट्रेट है फिर कहाँ जाती है, सोइल में जाती है। तो नेक्स्ट इसका स्टेप ये हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट अपोटेक बाय प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट है वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, सोइल से सीधा क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या करेंगे, प्लांट्स को कौन लेगा, जो एनिमल है वो कंज्यूम करेंगे। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, देखो अपन बात करेंगे जो प्लांट्स है वो कहाँ से कंज्यूम करते हैं नाइट्रोजन को, सोइल से कंज्यूम करेंगे, और सोइल से फिर ये कहाँ पे जाएगी, प्लांट्स में वो ट्रांसफ़र हो गई नाइट्रोजन, और ट्रांसफ़र जो प्लांट्स है उससे फिर कहाँ जाएगी, एनिमल्स में, एनिमल्स उसको ईट करेंगे। प्लांट्स को, एनिमल प्लांट्स ही तो ईट करते हैं, प्लांट्स को ही तो कंज्यूम करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिर कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो गई, और प्लांट्स में ये जो नाइट्रोजन है फिर ये कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। और क्या होता है कि इन एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है या फिर जब ये एक्सक्रीशन करते हैं, इनका जो यूरिन होता है उसमें से ये नाइट्रोजन फिर वापस से कहाँ चली जाती है, सोइल में, ठीक है। अपन देखो बात क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं। साइकिल इट मीन्स ये जो प्रोसेस है ये इसी तरह से हमेशा क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, इट मीन्स कभी भी स्टॉप नहीं होती है, ओके। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन वेस्ट है जो इनके एक्सक्रीशन से, या फिर जब एनिमल्स की, अपने को पता है जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो कुछ टाइम बाद में वो क्या हो जाते हैं, सोइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ओके। नाउ आर यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। फिर ये क्या हो गई, सोइल में हो गई। अब सोइल की जो नाइट्रोजन है वो वापस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे बनती है, क्योंकि अगर यहीं तक होगा तो यहाँ पे कभी ना कभी ये क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन ये जो नाइट्रोजन अपन बात कर रहे हैं सोइल, ये सोइल की जो नाइट्रोजन है वो वापस से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे बनेगी, ठीक है, उस इसी तरह से तो इसकी जो अमाउंट है वो अपने इन्वायरमेंट में बनी रहेगी, अदरवाइज तो ये फिनिश हो जाएगा, ओके। नाउ इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, कंपाउंड की जो नाइट्रोजन है उसको गैस में, गैस की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। कुछ बैक्टीरिया जैसे भी होते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज की बात की थी, तो ये जो बैक्टीरिया है वो तो क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, कंपाउंड की जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसेज में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या बना रहे, कंपाउंड बना रहे, और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसेज में, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। और गैसेज से फिर ये क्या बन जाएगी, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाएगी। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से फिर ये सारी प्रोसेस है ये टू बी कंटिन्यू, ठीक है, ये वैसे ही चलती रहेगी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नाइट्रोजन साइकिल, ओके। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट और एक्सरसाइज। सो थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।